दाऊद इब्राहिम ने पीएम मोदी को मारने के लिए भेजे थे दो हत्यारे। मानसिक रूप से परेशान शख्स के झांसे में आई मुंबई पुलिस शहर की ट्रैफिक पुलिस को उसके व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरे के बारे में एक कॉल और संदेश मिलने के बाद सोमवार को मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर चली गई। संदेशों में कहा गया है कि कुख्यात गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम ने पीएम को मारने के लिए दो गुर्गे भेजे थे। फ्री प्रेस जर्नल ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि केरल पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है। एफपीजे की रिपोर्ट में कहा गया कि अब यह पता चला है कि संदेश मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति द्वारा भेजे गए थे। हॉक्स कॉलर ने हाल ही में अपनी नौकरी खो दी है। मुंबई पुलिस ने उस कॉलर का पता लगाया जो पहले केरल में काम करता था। 4 महीने पहले उसे काम से निकाल दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने कहा कि उस व्यक्ति ने दावा किया कि वह अपने कार्यस्थल पर भूतों को देखा करता था। पुलिस ने कहा कि कॉल करने वाला मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और उसने हाल ही में अपने भाई को खो दिया है। वह कोलकाता में रह रहा है। इस महीने की शुरुआत में पुलिस को मुंबई में हाजी अली दरगाह इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी का दावा करने वाला एक फर्जी कॉल आया था। फ्री प्रेस जर्नल ने बताया कि वह कॉल मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति का भी पता चला था।